संतोष हिंदुजा जी का सवाल लेते हैं। 61 इयर्स इनकी एज है, 8 लाख इनको निवेश करना है, जानना चाहते हैं कैसे निवेश करें ताकि मंथली इनकम जनरेट कर सके। अब कितनी चाहिए मंथली इनकम, ये संतोष जी ने नहीं लिखा है, तो क्या हम उसका इंतजार करें उनसे ये सवाल? संतोष जी, अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज उतना बताएं कि आप कितना हर महीने देखिए, चाहते मतलब हैं। अगर आपकी निवेश की रकम तय है 8 लाख रुपए, तो ऑनेस्टली बियॉन्ड अ पर्टिकुलर परसेंटेज आप नहीं जा सकते हैं उसके, राइट? सो अगर आपको एक रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट चाहिए, रिस्क फ्री एज इन मतलब सेफर साइड में चाहिए, और उम्र आपकी 60 साल के करीब है, 60 साल के ऊपर है, तो आप 8% से ऊपर आप अपना लक्ष्य नहीं रख सकते इस रकम के साथ में. तो बेसिकली साल का 8% मेरे हिसाब से, इस 8 भी थोड़ा ज्यादा हो गया आज के लिहाज से, जिस तरह के इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं, 7 से 8% की रेट आप निकाल सकते हैं. आपको डेट फंड में ही निवेश करना पड़ेगा, या फिर आप चाहें तो एक हाइब्रिड फंड ले सकते हैं. अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपका ओवरऑल एसेट एलोकेशन कैसा है वो हमें नहीं पता, तो आप हाइब्रिड फंड ले सकते हैं. डिविडेंड पे आउट ऑप्शन नहीं लीजिए, जहां तक हो सके ग्रोथ ऑप्शन लीजिए, और SWP करिए. उसमें से आपको रेगुलर इनकम चाहिए तो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान से निकालिए पैसे को, रेदर देन टेकिंग अ डिविडेंड इनकम. वो भी हालांकि आपके टैक्स ब्रैकेट पे डिपेंड करेगा. लोग बहुत सारे केवियार्ट्स होते हैं इन सब चीजों के अंदर में. अगर आप किस टैक्स ब्रैकेट में आते हैं उस पर डिपेंड करेगा. आप बिल्कुल लो टैक्स ब्रैकेट में, टैक्स ब्रैकेट में नहीं है, तो आप चाहे तो डिविडेंड इनकम भी ले सकते हैं, उसका कोई असर नहीं पड़ेगा. बट डेट में 7% का रेट को रखिए. और अगर आप हाइब्रिड फंड लेते हैं, ले सकते हैं अगर आप अपनी प्रोफाइल के हिसाब से, तो आप शायद 9 से 10% की उम्मीद कर सकते हैं.